सो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पहला सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है इसको ले लिया गया है और स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने का। लेकिन आपको बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने से पहले आपका जो सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन है ये स्टार्ट हो गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है वैसे तमाम स्टूडेंट के लिए जो पहला सेमेस्टर का एग्जाम दे करके बैठे हुए कि एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन स्टार्ट होगा। तो ये आपका भ्रम है क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी चीजों को पहले ही क्लियर कर चुकी है। तो आज के मेनली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर टू में एडमिशन लेने के डेट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, यानी कि सेमेस्टर टू में क्या प्रोसीजर रहेगा पूरी बात करेंगे। सो गाइज, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अभी मैं फिलहाल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूँ और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन लेने के रिगार्डिंग में कोई प्रकार का लिंक नहीं दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को जो कंट्रोल कर रही है वो कौन है, तो राजभवन है, यानी कुलपति महोदय की टीम है। और इस टीम ने पहले ही एकेडमिक कैलेंडर को लॉन्च की थी और इसी एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी है वो सारी चीजों को फॉलो की। मतलब जो यूनिवर्सिटी का जो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो पूरा डेट है, वो सब इसी एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो की। और इसी एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक पॉइंट बताया गया। क्या पॉइंट बताया गया है कि जो पहला सेमेस्टर का रिजल्ट है ये 10 जनवरी तक आपका आ जाएगा। तो 10 जनवरी तक तो पहला सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, ये तो कंप्लीट हो गया क्योंकि आप एग्जाम दे करके इंतजार कर रहे हैं किस चीज का, रिजल्ट का। लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही इसी में एक चीज बात बताया गया है कि जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है इसका एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा, और एडमिशन पहले स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 10 जनवरी को रिजल्ट आएगा, लेकिन 10 जनवरी से पहले बताया जाता है कि 2 से लेकर के 7 जनवरी के बीच में जो आपका रिजल्ट है ये रिजल्ट से पहले आपका एडमिशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी जो सेकेंड सेमेस्टर का जो एडमिशन है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ये आपका 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि कई कॉलेज में हो भी गया है। तो लगातार आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट रखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन कब से हो रहा है। हार्डली डेट बताया गया है 7 जनवरी से पहले, लेकिन 2-3 दिन आगे पीछे रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी लगभग कह सकते हैं रिजल्ट आने तक यानी 10 जनवरी से पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के तमाम सारे कॉलेजेस में बीए बीएससी बीकॉम का जो सेकंड सेमेस्टर है इसमें आपका एडमिशन खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपका कॉलेज से कांटेक्ट नहीं है या अगर आप कॉलेज के ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो थोड़ी सी चिंता की बात है। आप लगातार कॉलेज से पता कीजिएगा कि आपके कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन हो या नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हो रहा है, तो आप अपने कॉलेज से एक बार पता कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका जो एडमिशन का प्रोसीजर है ऑफलाइन होगा। इस बार जो एडमिशन का प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, ऑफलाइन होगा। यानी सबसे पहले आपके जो सारे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, एडमिशन का एक फॉर्म दिया जाएगा, और ये उम्मीद है कि ये फॉर्म आपको आपके डिपार्टमेंट से दिया जाएगा। आप इस पूरे फॉर्म को भर करके क्या कीजिएगा, आप अपने डिपार्टमेंट में ही जमा कीजिएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट वाले इसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद में थोड़ा सा हो सकता है ऑनलाइन प्रोसेस भी हो कि आपको जो फी है उस फी को जमा करना है। हालांकि किसी किसी कॉलेज में जो एडमिशन वाला ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन भी भरा सकता है, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो सेकंड सेमेस्टर है इसमें आपको एडमिशन के लिए पैसा कितना देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है, पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पैसा आखिर इस एडमिशन लेने के लिए यानी सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए पैसा कितना देना है, इसको लेकर के भी इसी पीडीएफ में ये सारा बात बताया गया था। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना पैसा आपको जमा करना है सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए। तो ये वाला जो पीडीएफ है ये आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। तो यही है फी ब्रेकअप फॉर यूजी कोर्स बीए बीएससी बीकॉम। तो सेकंड सेमेस्टर का देखिएगा, ये रहा सेकंड सेमेस्टर में कितना फी देना है। तो पहला तो एडमिशन का चार्ज है 250 रुपया, ट्यूशन फी है 600 रुपया, कल्चरल और इस तरीके का फी है 25 रुपया, यानी यहाँ से करने का मतलब 875 रुपया। साथ ही साथ कुछ और भी फी देना है, कौन सा फी है, मिसलेनियस पार्ट है। मिसलेनियस में क्या है, 200 रुपया लाइब्रेरी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी फी 200, फिर आइडेंटिटी कार्ड चार्ज नहीं देना है, एनएसएस फी 50 रुपया, बिल्डिंग मेंटेनेंस फंड 100 रुपया। यानी कुल मिलाकर के इस तरीके से कई प्रकार के चार्ज है, और कुल मिलाकर के आपको 1130 रुपया पार्ट बी में और 875 रुपया आपका पार्ट ए का। यहाँ देखिएगा 875 पार्ट ए का, यानी कुल मिलाकर के कितना पैसा एक स्टूडेंट को देना है, तो ये देना है 2005 रुपया। यानी सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आपको 2005 रुपये का भुगतान करना है, तब जाकर के आपका सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन होगा। एडमिशन का प्रोसेस ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे एडमिशन चल रहा है सेकंड सेमेस्टर में, एक बार आप कॉलेज से पता कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए था, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।